MIOS 12 का तो सारे अपडेट अभी तक आपको नहीं मिला होगा, तो मेरा चैनल में जरूर आप लोग आइए, क्योंकि मैं बहुत सारा MIUI 12 का नया नया फीचर्स को इनेबल कर लिया हूँ मेरा मोबाइल में। मैं अभी फिलहाल Redmi Note 7 यूज कर रहा हूँ और सारे फीचर्स को मैं यूज कर रहा हूँ MIUI 12 का, और भी MIUI 11 में MIUI 12 का आनंद ले रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं जो आपका MIUI 11 में, आप भी चाहते हैं जो अपना MIUI 12 का आनंद लेना चाहते हैं, तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में पहले लेके आता हूँ और सारे एपी के आपको प्रोवाइड करता हूँ। अगर डिसीजन नहीं मिलता तो आपको जरूर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ जरूर मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इतना सारा जो एपीके आता है सारी चीज आपको देने का पॉसिबल नहीं होता जो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा बकवास ना करते हुए आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज आपको जो लेके आए जो गैलरी ऐप, जो MIUI 12 में फिर एक एपीके इंस्टॉल कर लिया हूं, जो कोई लैग नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया है जो आप MIUI 12 बहुत सारे नया फीचर आया जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, आपको गैलरी को और भी इम्प्रूव करेगा, आपको जो फोटो शूट करने का जो एक्सपीरियंस है और भी बेहतर कर देगा। ये सारी चीज आपको देखना है, बशर्ते आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। साथ साथ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको एपीके इंस्टॉल करने का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई लैग होता है, कोई भी इशू होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, फिर आपको जो भी एपीके था उसी में वापस चला जाएगा। तो कोई भी लैग या इशू नहीं मेरे को फेस कर रहा है, अगर आपके साथ हो रहा है तो जरूर उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो चलिए मैं आगे मोबाइल सिम को फोर और आप लोगों को दिखा देता हूँ जो गैलरी ऐप का जो वर्सन। मैं पहले गैलरी क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ऐप इन्फो में चला जाता हूँ। वो जैसे ही ऐप इन्फो में चला जाता हूँ तो देख सकते हैं इसका वर्सन क्या चल रहा है, 2.2.16.1। ठीक है, अभी मैं इसको इंस्टॉल किया हूँ एपीके के माध्यम से। चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और देख लेते हैं जो क्या क्या नया नया फीचर्स मिला है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसका गैलरी का इंटरफेस इसी प्रकार है। अगर आप गैलरी में जो एपीके अगर इंस्टॉल नहीं किया था पहले, जो बीटा एपीके अगर उसी प्रकार नहीं होगा तो आपको अलग तरीके से दिखाई देगा, नहीं तो मेरे को इसी प्रकार दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको इस जगह क्या क्या नया नया फीचर्स मिला है आपको मैं दिखा देता हूँ। पहला मिला है जो डायनामिक शॉट। ठीक है, जो डायनामिक शॉट क्या होता है, जैसे कि स्काई भी कोई आकार फोटो में आपका स्काई होगा, जैसे कि मान लो ये फोटो में मेरा स्काई है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकते हैं जैसे मैं एडिट में जाऊँगा और एडिट में क्लिक करने के बाद अगर स्काई में चला जाऊंगा, तो स्काई में जाने के बाद इस नया जो दिया है डायनामिक, ये डायनामिक में क्लिक करता हूँ, तो डायनामिक क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इसका क्लियर, देख सकते हैं इस प्रकार से साउंड आएगा। मैं साउंड कम कर देता हूँ, इसी प्रकार से आपको साउंड आएगा, मतलब वीडियो बन जाएगा, वो भी 10 सेकेंड का। बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो लगा है ये फीचर्स, देखिए कितना कूल लग रहा है। और साथ ही साथ स्नो भी है, रेन भी है, ऐसे ही आपको फॉल्स भी आएगा, स्नो फॉल्स भी आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो आपको 10 सेकंड का वीडियो बना देगा। मैं आपको देखा तो एक वीडियो में कल क्रिएट किया था जो आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कितना अच्छा तरीके से आपको एडिटिंग कर दिया, जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा सर, आपको भी लगेगा। और साथ ही साथ स्काई में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन वो इतना चेंजेस नहीं है, जो स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा चेंजेस आपको दिया गया है। ठीक है, ये भी आप इनेबल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बोलना चाहता हूँ, और भी नया नया फीचर्स आपको इस जगह एडिट कर दिया गया है। ठीक है, अगर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं एल्बम में चला जाता हूँ, एल्बम में आने के बाद इस जगह जो नया फीचर दिया गया, जो रीअरेंज, आप अपना कोई कलम को रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो वीडियो इधर है, कैमरा इधर है, मैं कैमरा को पहले रखना चाहता हूँ, तो इसको पेज एंड होल्ड करके इधर रख सकता हूँ। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर मिल गया है। और इस समय तो टास्कबिन तो मिलता ही है, जो आपको टास्कबिन मिलता था वो मिलता है। ठीक है, वो टास्कबिन का आपको दिखाई देता है इस जगह, देख पा रहे जो टास्कबिन है, और इसका आइकॉन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। और जो जो नया नया फीचर्स आया आपको मैं दिखा देता हूँ, जो क्या क्या नया, जैसे फोटो को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो सिलेक्ट करने के बाद जो क्रिएटिविटी होता है ना, क्रिएटिविटी में क्लिक करना है, वो क्रिएटिविटी क्लिक करने के बाद ये कॉलाज है और क्लिप है, अगर मैं क्लिप में क्लिक करता हूँ और भी फोटो को जो ऐड करना है, और जैसे मैं क्रिएटिविटी क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस जगह में बहुत सारा और भी फीचर दिया गया है, बहुत सारा फीचर्स दिया गया है, जो आपको काफ़ी अच्छा फीचर्स इस जगह में दिया गया है, बहुत सारा फीचर्स ऐड कर दिया गया है इस जगह से। ठीक है, वो ट्रैवल, फिटी फॉइड, म्यूज़िक बहुत सारा ऐड करा दिया गया है, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और साथ ही साथ आपको बोलना चाहता हूँ, इस जगह में अगर आप कॉलेज करते हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी में जाके अगर कॉलेज करते हैं, तो कॉलेज में बहुत सारा आपको इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया, देख सकते हैं इतना सारा नहीं था, ये सारी चीज़ को ऐड करा दिया गया है।
काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा है। अगर जरूर आपको इसको इनेबल करना है तो जरूर इनेबल कर सकते हैं, आपको एपीके के डिसीजन मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा अगर आप भी चाहते हैं। वीडियो एडिटिंग में थोड़ा सा अपडेट आए हैं लेकिन उतना चेंजेस नहीं है, जरूर आप लोग उसको चेंजेस देख सकते हैं। मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मुस्त भी हो गया और सारी चीज़ आपको दिखाई दिया हूँ। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो का, तब तक के लिए बेस्ट अल्लाह, थैंक यू, जय हिंद।